अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, जी नमस्कार मैम। हकीम साहब, सलाम अलैकुम, कैसे वालेकुम सलाम। हैं आप? सब खैर है, आप बताएं कैसी हैं। हकीम साहब, आपका नुस्खा तो वो जैतून के सिरके का और अदरक नींबू का बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया, उससे तो उन्हें इतना आराम हुआ, बहुत ज्यादा। अब वो टेस्ट कराएंगे एक दो दिन में, उनकी चुभन हो जाती थी दिल में कभी कभी, ना तो उनकी गैस बन रहा है ना चुभन हुई। हम कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराएंगे, देखो क्या आता है रिपोर्ट में। लेकिन हकीम साहब, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, मैंने अपनी बहन को भी पिलाया, उसको भी बहुत फायदा हुआ, उसका पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी। पर हकीम साहब, मेरे दो सवाल हैं। जी पहला सवाल तो मेरा ये है कि मेरा कान बह रहा है, और अभी मैंने पीछे ये 6-7 महीने पहले बहा था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो वो ठीक हो गया था, वो फिर बहने लगा। लेकिन फिर मैंने दवाई डाली, फिर ठीक हो गया, लेकिन कल से फिर बहा और खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लिए कुछ बताएं आप। और दूसरा चीज साहब, आपने जो मुझे वो नुस्खा बताया था, अलसी धनिया और क्या था, अलसी धनिया सौंफ और नमक जैतून, ये बराबर लेके और इसको पीना था, तो फिर साहब इससे मुझे शुरू में तो फायदा हुआ, मुझे भूख लगी, लेकिन अब फिर से भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपका गोन चिलगोजा भी ले रही हूँ, इसमें कुछ और तो ऐड नहीं करना है। जी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो मेथी का दाना इस्तेमाल करें। इसमें मेथी का दाना इसमें शामिल कर लें। 100-100 ग्राम का नुस्खा हो तो 100 ग्राम, 50 ग्राम का नुस्खा हो तो 50 ग्राम, तो ये और ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। और 5 लहसुन बगैर छीले हल्का सा तल लें, उन्हें घी में तल के हल्का सा, और फिर उसके बाद छीले, और ये 5 लहसुन रोज़ाना खाया करें, ये जो आपका कान बहता है इसके लिए। और गौन चिलगोज़ा आप ले ही रहे हैं, और देखिए ये नुस्खा वाकई अच्छा है। अपने हस्बैंड को या किसी भी ज़रूरतमंद को दें, 4-5 महीना दें, ये इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और पेट का बहुत ख्याल लगता है। दिल से वाबस्ता जो अमराज हैं, जो हार्ट ब्लॉकेज तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो लगातार दीजिए। और ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत कंट्रोल करता है। बहन को भी काफ़ी दिन तक दीजिए, इन्हें उसके आगे तक पहुंचाइए, इंशाल्लाह आपको भी इसका अजर मिलना है।